Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss what is communicative competence in English language teaching and its five components. So let's proceed. So सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास communicative competence होता क्या है. Communicative competence is an ability to communicate competently in specific contexts. अब हमारे पास communicative competence जो है एक ऐसी ability है communicate करने के लिए किसी भी specific situation के अंदर, किसी भी specific context के अंदर competently बोलने की, ठीक है. और इट इज़ वट अ स्पीकर नीड्स टू नो टू स्पीक एफिशिएंटली इन अ स्पीच कम्युनिटी. तो आप ये भी कहते हैं कि यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऐसी वो नॉलेज है जो कि हमें जानने की ज़रूरत है किसी भी स्पीच कम्युनिटी के अंदर एफिशिएंटली बोलने के लिए, कॉन्फिडेंटली जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है. कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कंप्राइजेज ऑफ फाइव कॉम्पोनेंट्स: लिंग्विस्टिक, डिस्कोर्स, सोशल, स्ट्रेटेजिक, इंटरकल्चर. तो सबसे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की. द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस डील्स विद द ग्रामर. इट इंक्लूड्स वोकैबुलरी, स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड प्रोनंसिएशन. इट इज सिंपली द नॉलेज ऑफ नोइंग हाउ टू यूज अ ग्रामर, सेंटेक्स एंड वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज. लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है हमारे पास वो डायरेक्टली डील करती है ग्रामर के साथ, जिसके अंदर वोकैबुलरी है, स्पेलिंग है, पंक्चुएशन जो है, ये चीज़ें आ जाती हैं. तो कहते हैं अगर हम बात करें सिंपली कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता क्या है, तो ये हमारे पास वो नॉलेज है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हाउ टू यूज़ द ग्रामर, हमने ग्रामर को किस तरह से यूज़ करना है, हमने सेंटेक्स को किस तरह से यूज़ करना है, मतलब हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो किस तरह से बनाने हैं, हम वोकैबुलरी को किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है. स्टूडेंट्स हैव टू नो द रूल्स डैट गवर्न सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वर्ड फॉर्मेशन, टेंसेज, साउंड इंट्रैक्शंस, वर्ड एंड फ्रेज मीनिंग्स एंड कॉलोकेशंस. अब कहते हैं स्टूडेंट्स को उन सारे रूल्स को जानने की जरूरत है जिसके थ्रू पता लगता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से गवर्न हो रहे हैं, वो किस तरह से बन रहे हैं, वर्ड फॉर्मेशन कैसे हो रही है, टेंसेज कैसे बन रहे हैं, साउंड इंट्रैक्शंस हमारे पास किस तरह से हो रही हैं, ठीक है. इन अदर वर्ड्स, सेंटेक्स, मोर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स और ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट टू द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एरिया. अब कह रहे हैं कि जो सेंटेक्स है, मोर्फोलॉजी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज है लिंग्विस्टिक की, तो कहते हैं ये सारी जो है ना हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट होती है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर, ठीक है. स्टूडेंट्स हैव टू बी मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग टूवर्ड्स मास्टरी ऑफ ईच ऑफ दैम टू कंस्ट्रक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेज. अब ये है कि स्टूडेंट्स को इन सारी ब्रांचेज के अंदर, इन सारे फील्ड्स के अंदर मास्टरी करने की जरूरत है टू कंस्ट्रक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेज. ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेज जब प्रोड्यूस करने के लिए, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको जरूरत है इन सारी ब्रांचेज के अंदर जो है वो मास्टरी उसकी हो. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, शी इज लेंथी देन मी एंड शी इज टॉलर देन मी. अब जो हमारे पास लिंग्विस्टिकली कम्पिटेंट पर्सन होगा वो इजिली अंडरस्टैंड कर लेगा कि शी इज लेंथी देन मी जो वो ग्रामेटिकली गलत है, और शी इज टॉलर देन मी जो हमारे पास वो सही है. आई वॉज बोरिंग इन द क्लास एंड आई वॉज बोर्ड इन द क्लास. सो हम इजिली अंडरस्टैंड करेंगे इफ़ यू आर कम्पिटेंट इन लिंग्विस्टिक्स. सो आप इजिली अंडरस्टैंड कर लोगे कि ये आई वॉज बोरिंग जो वो गलत है, एंड आई वॉज बोर्ड जो है वो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है. देन हमारे पास आ जाता है जी डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस. डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस क्या होता है? द डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस इज आवर नॉलेज ऑफ व्हाट पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेसिव डिवाइसेस वी यूज टू कनेक्ट सेंटेंसेस. अब डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस क्या है, इसमें वो हमारी वो नॉलेज आ जाती है जिसमें हम देखते हैं कि हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करते हैं या कौन सी कोहेसिव डिवाइसेस को यूज़ करते हैं सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है. इसमें बेसिकली हम बात करते हैं कि सेंटेंस जो है आया कनेक्ट किस तरह से होते हैं, और जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें एक ओवरऑल एक लॉजिकल आइडिया किस तरह से देते हैं. देखिए, इट इज़ द नॉलेज ऑफ नोइंग हाउ टू इंटरप्रेट द लार्जर कॉन्टेक्स्ट. हम लार्जर जितने भी लार्जर कॉन्टेक्स्ट होते हैं या लार्जर सिचुएशन होती हैं, हम उनको इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं, ठीक है. और फिर हाउ टू कंस्ट्रक्ट लॉन्गर स्ट्रेचेज ऑफ लैंग्वेज. अब लॉन्गर स्ट्रेचेज ऑफ लैंग्वेज में आ जाती हैं, हमारे पास स्टोरीज आ जाती हैं, लॉन्ग एसेज आ जाते हैं. तो कहते हैं कि ये हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जिसके नतीजे में ये होता है कि हमारे पास एक ओवरऑल एक कोहेरेंट आइडिया आ जाता है, ठीक है, वो किस तरह से आता है. वी ऑर्गेनाइज वर्ड्स, फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज एंड प्रोड्यूस एंड कम्प्रीहेंड कॉन्वर्सेशन. कहते हैं हम वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, फ्रेजेस को करते हैं, सेंटेंसेस को करते हैं, और प्रोड्यूस करते हैं, और फिर हम कम्प्रीहेंड करते हैं कॉन्वर्सेशन को, आर्टिकल्स को, मैसेजेस को एंड लिटरेचर को, ठीक है. सो इससे हम यहाँ इससे क्या होता है कि वी कैन स्पीक, राइट, रीड एंड लिसन टू द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स. ऑलराइट जी, सो सिंपली वी नो हाउ टू बिल्ड द सेंटेंसेज, हाउ टू यूज देम एंड हाउ टू कनेक्ट देम इन अ कम्युनिकेशन सेटिंग. तो जब हम डिस्कोर कॉम्पिटेंस की बात करते हैं ना, तो ये हम इसमें हम ये जानते हैं कि हम सेंटेंस को आया बिल्ड कैसे कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको यूज़ कैसे करें, हम उनको कनेक्ट कैसे करें किसी भी कम्युनिकेशन सेटिंग के अंदर, ठीक है.
सोशल कॉम्पिटेंस की बात करते हैं जी. इट इज़ द अबिलिटी टू रिकोगनाइज द इफेक्ट्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑन द स्ट्रिंग्स ऑफ लिंग्विस्टिक इवेंट्स एंड टू यूज अ लैंग्वेज अप्रोप्रिएट इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस. अब ये हमारे पास वो अबिलिटी है जिसमें हम रिकोगनाइज करते हैं जो हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ सिचुएशंस होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन के इफेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज के ऊपर. ठीक है, सो ये इसको इसका मतलब ये है कि हम किस तरह से जब हमारे पास सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं तो वो लैंग्वेज पे किस तरह से इफेक्ट करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी लैंग्वेज को किस तरह से चेंज करते हैं. ठीक है, यहाँ पर बात की हुई है कि एंड यूज़ द लैंग्वेज अप्रोप्रिएट इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन. और हम एक तो हमने देखा कि लैंग्वेज पर जब इफेक्ट्स आए कॉन्टेक्स के तो वो किस तरह से आए इसको हम रिकोगनाइज करते हैं, और हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज को हम किस तरह से फिर उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, सोशल कॉम्पिटेंस इज द अवेयरनेस ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड नॉलेज एक्सप्रेशंस एंड सोशल रूल्स ऑफ लैंग्वेज. अब सोशल कॉम्पिटेंस क्या है, ये अवेयरनेस है लैंग्वेज के कल्चरल बैकग्राउंड की, उसके एक्सप्रेशंस की एंड जो सोशल रूल्स है हमारे पास लैंग्वेज के उसकी अवेयरनेस है. ठीक है, इट इंक्लूड्स व्हाट यू से, व्हेन यू से एंड हाउ यू से. आप क्या कह रहे हैं, आपने कब कहना है, आपने कैसे कहना है, ये तीनों क्वेश्चंस की जो नॉलेज है हमें सोशल कॉम्पिटेंस में मिलती है. फॉर एग्जांपल, हाउ टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर एटीट्यूड लाइक रिस्पेक्ट, फ्रेंडलीनेस, और व्हाट फ्रेजेस और व्हाट वर्ड्स विल सूट अ पर्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाते हैं कि कैसे हमने एक पर्टिकुलर एटीट्यूड को जो है ना वो एक्सप्रेस करना है, रिस्पेक्ट का है वो, फ्रेंडलीनेस का है वो, हमने कैसे जो है वो एक्सप्रेस करना है, और हमने कौन सी फ्रेजेस या कौन से वर्ड्स यूज करने हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ना वो सूट करेंगे. ठीक है जी, strategic competence. Strategic competence means that how to use the techniques to get conversational fluency. Strategic competence में आ जाता है कि हम कौन सी techniques को use करें, कैसे techniques को use करें ताकि हमारी जो है वो conversational fluency है, हम जो हमारी हम fluent हों. ठीक है, so जो हमारे पास strategic competence होती है वो काम करती है, वो ability है जो कि recognize करती है और रिपेयर करती है कम्युनिकेशन जो ब्रेकडाउन्स आ रहे होते हैं बिफोर हैं या आया ड्यूरिंग आ रहे हैं या फिर आफ्टर जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो गैप्स आ रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करती है और रिपेयर करती है. फॉर इंस्टेंस, अ स्पीकर मे नॉट नो अ सर्टेन वर्ड. अगर एक स्पीकर जो किसी उसको सर्टेन वर्ड का नहीं पता, ठीक है, सो थस विल प्लान टू आइदर पैराफ्रेज, या तो उसको पैराफ्रेज करेगा उस वर्ड को और आस व्हाट दैट वर्ड इज इन द टारगेट लैंग्वेज, या फिर उस वर्ड को टारगेट लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको पूछेगा. ठीक है, सो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस आस्क, हाउ डू आई नो व्हेन आई हैव मिसअंडरस्टूड और व्हेन समवन हैज मिसअंडरस्टूड मी. सो ये है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि किसी ने मुझे मिसअंडरस्टूड किया या मैंने किसी को मिसअंडरस्टूड किया. ठीक है, कॉन्वर्सेशन के दौरान ये मुझे कैसे पता लगेगा, अगर ठीक है मुझे पता लग गया तो देन व्हाट डू आई सी, देन फिर मुझे क्या कहना चाहिए. कॉन्वर्सेशन फ्लुएंसी में पूछ रहा है कि अगर ठीक है मुझे ये पता लग गया देन मुझे फिर क्या कहना चाहिए, इन सबको देखते हैं स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस. देन हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई आइडियाज इफ आई डोंट नो द नेम ऑफ समथिंग और द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब टू यूज. मैं अपने आइडियाज को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं पता या फिर करेक्ट फॉर्म का नहीं मुझे पता. ठीक है, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन आई यूज टू मैनेज एंड इंक्रीज माई सोशल लिंग्विस्टिक एंड डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस. कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को मैं यूज कर सकता हूँ, कौन कौन सी टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारी जो सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो इंक्रीज हो, जो हमारी डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस है हमारी वो इंक्रीज हो. ठीक है, इंटरकल्चर कॉम्पिटेंस. इंटरकल्चर कॉम्पिटेंस इज द अबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली अक्रॉस कल्चर्स, टू थिंक एंड एक्ट अप्रोप्रिएटली एंड टू कम्युनिकेट एंड वर्क विद द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स. अब इंटरकल्चर कॉम्पिटेंस क्या होता है, ये कैसी एबिलिटी है जिसमें आप इफेक्टिवली जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं पीपल विद अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ आप इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, इफेक्टिवली फंक्शन कर सकते हैं, आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, सो इंटरकल्चर कॉम्पिटेंस बेस्ड जो हमारे पास क्लासरूम में एक्टिविटीज होती हैं वो हमें हेल्प कर रही होती हैं टू अंडरस्टैंड हाउ वी बिलोंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज. हम किस तरह से डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ बिलोंग कर रहे हैं, हम किस तरह से मल्टी फैसेटेड हैं इन टर्म्स ऑफ आवर कल्चर्स, हमारे किस तरह से डिफरेंट व्यूज हैं, हमारे किस तरह से डिफरेंट परसेप्शन हैं. ठीक है, सो ब्रिंगिंग अ फॉरन लैंग्वेज टू द क्लास रूम मीन्स, जब आप एक फॉरन लैंग्वेज को क्लास रूम के अंदर लेके आ रहे हैं उसका मतलब ये है कि आप कनेक्ट कर रहे हैं लर्नर्स को एक ऐसे वर्ड के साथ डैट इज कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन. आप उनको एक ऐसे वर्ड के साथ जो है ना वो कनेक्ट करें जो कि कल्चरली तौर पर उनके अपने वर्ड से जो है वो डिफरेंट है. अब इससे क्या होता है, इंटर कल्चर कॉम्पिटेंस से क्या होता है कि एक तो आप दूसरों के कल्चर के बारे में भी सीखते हैं, दूसरा ये है कि आप में जो कल्चर की वजह से, कल्चर डिफरेंसेस की वजह से जो गैप्स आ रहे होते हैं आप उसको भी जो ना वो फिल कर लेते हैं. ठीक है जी, सो दिस वॉज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच.